सबसे पहले हम 2 मिनट बात करेंगे अपने फसल सलाह ऐप में, जो हमारे किसान भाई निरंतर प्रश्न पूछा करते हैं और उनका समाधान फसल सलाह देता है। तो पहला प्रश्न है साहिल राजपूत जी का, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। इन्होंने पूछा है कि हमारे टमाटर की पत्ती पीली पड़ रही है, क्या करें? तो इस प्रश्न का हमने ये रिप्लाई किया है, हमने इसका उत्तर दिया है कि नमस्कार, ये जो रोग है, जैसे हमारे किसान भाई जानते हैं, इस समय जो पिछेती झुलसा रोग चल रहा है, टमाटर में देखने को मिल रहा है, जो फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है, जो फंगल डिजीज होती है, फंगल बीमारियां होती हैं, उनसे ही उत्पन्न होता है। तो इसका उपचार, आपका सबसे पहला उपचार है कि आप जब भूमि तैयार करें उसी समय आप इसका उपचार कर सकते हैं। जो खरपतवार हैं और जो पुरानी फसल के जो अवशेष हैं उनको समाप्त कर दें अच्छे से, जिससे जो फंगल रोग है वो आपके खेत में बाद में देखने को ना मिले। तो इसका उपचार यही है कि अगर आपको रासायनिक तौर से करना है, तो इसका पहला उपचार ये है कि अगर आपको ये कम जगहों पे, कम पौधों में दिख रहा है, तो उस पौधे को उखाड़ के अलग कर दें। अगर ये आपको जैसे एक दो पत्तियों में दिख रहा है, तो उस पत्ती को हटा दें, जिससे ये और भी पौधों में इसकी बढ़ने की जो संभावना कम हो जाएगी। तो साहिल जी को ये हमारा सलाह है। दूसरी बात, अगर आपको रासायनिक तौर से इसका नियंत्रण करना है, तो आपको मेटेलैक्सिल 4% प्लस मैनकोजेब 64% मतलब 64% WP का लेके 25 ग्राम प्रति लीटर की मात्रा पानी में मिलाकर स्प्रे करें, जिससे आपको इस बीमारी से उपचार मिलेगा। ये फसल सलाह ऐप ने रिप्लाई किया है, आप ऐप में हमारे देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न आया है अंगद पांडे जी का, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। अंगद पांडे जी ने पूछा है कि पंच स्तरीय बागवानी के लिए पौधे कटहल, नींबू, अमरूद, पपीता और सहजान और चंदन, इनका इन्होंने पूछा है एग्रोफॉरेस्ट्री मतलब बागवानी फसलों के लिए इन्होंने पूछा है कि कहाँ से मंगवाएं और इन सब की अच्छी प्रजाति कौन सी है। तो इसके लिए जो हमने ये उत्तर दिया है कि जो आपके ग्राम पंचायत, तो उसमें जो कृषि पर्यवेक्षक हैं, उनसे आप इसकी जानकारी पूरी ले सकते हैं कि आपके एरिया में जो पौधे हैं वो उन पर सब्सिडी, उन पर क्या प्राइस है, उनकी सब चीज़ें उन्हें बता देंगे। और अगर वो भी नहीं बता पाएंगे तो आप हमसे फिर से संपर्क करिएगा, हम आपको डिटेल में कहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं सारी चीज़ बताएंगे। और साथ ही हमने ये उत्तर दिया है कि चंदन की प्रजातियाँ हैं सेंथल एल्बम और सफ़ेद चंदन, सैंडल, श्रीखंड और सुखद सेंडोल आदि। पपीते की प्रजातियाँ हैं पूसा नन्हा, पूसा जयंता, सूर्या, पूसा डेलीशियस, रेड डेली आदि। अमरूद की प्रजातियाँ हैं इलाहाबादी सफ़ेदा, लाल गूदेबाल, चित्तीदार करेला आदि। अब जानते हैं नींबू की प्रजातियाँ। नींबू की प्रजाति है बारामासी, कागजी नींबू, काला नींबू, मीठा नींबू। कटहल की प्रजातियाँ हैं खजवा, सिंगापुरी, गुलाबी, रुद्राक्षी आदि। और सहजान की प्रजातियाँ हैं ज्योति एक और ज्योति। तो ये हमने उत्तर दिया है अंगद पांडे जी को। तो सबसे पहले अंगद पांडे जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने प्रश्न पूछा, और आपको हमें आशा है कि आप और भी हमसे जुड़े रहेंगे आगे, और हमसे ऐसे ही निरंतर प्रश्न पूछते रहेंगे, और हमें आपको सलाह देने का अवसर देंगे। हम ये 2 प्रश्न हो गए, ऐसे ही हम अपने इसी वीडियो में आपके इस प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिसके माध्यम से हमारे जो अन्य किसान हैं उनको भी इस प्रश्न का फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले जो हमारे इस फसल सलाह ऐप पे जितने भी हमारे किसान प्रश्न पूछते हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया कि वो इतने अच्छे से हमसे पूछते हैं, हमसे जुड़े हुए हैं और उनको हम उनकी मदद कर पा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ये था प्रश्नोत्तरी कुछ मिनट, और इसमें अब इसके बाद देखते हैं, हम जैसे बात कर रहे थे बाड़बंदी का। तो बाड़बंदी के लिए सबसे पहला जो बहुत पहले से चलता आ रहा है, तार से। तार 2 टाइप के होते हैं, एक तो मतलब लोहे का तार, एक तो कांटेनुमा। तो दोनों में आप तार से भी कर सकते हैं बाड़बंदी और कांटे नुमा पे। तार में भी 2 प्रकार का होता है, एक सीधा सीधा तार होता है, एक होता है जिगजैग तार, जिसमें आप देखेंगे आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा फोटो, उस हिसाब से आप तार बंदी कर सकते हैं। उसका खर्चा अगर आपको जानना हो तो सारा आपको जानकारी फसल सलाह ऐप इंस्टॉल करिए, उसमें आपको तुरंत मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि दूसरी तरह से कैसे तार बंदी कर सकते हैं। दूसरा तरीका है बिजली का बाड़ बना के। एक तौर से आपको ये जानना है कि बिजली के बाड़ से हम कैसे रोक सकते हैं आवारा पशुओं को। तो सबसे पहले आप अगर बिजली का बाड़ बना रहे हैं, तो अगर आपको कम खर्चे में बनाना है, तो आप बांस या फिर जो लकड़ियां आपके आसपास हो उससे अगर आप तैयार करें पिलर्स, मतलब जितने खम्भे हैं, अगर आप लकड़ियों से तैयार करेंगे तो आपका खर्चा कम हो जाता है। और अगर आप जो आयरन का रॉड होता है, जिसपे एक स्ट्रिप वाइज झटका मशीन जो होती है उससे रिलेटेड रहता है ये, तो उसमें आपको खर्चा आपका थोड़ा बढ़ जाएगा। देखिए किसान भाइयों, सबसे पहले आप जाने कि ये जो बिजली बिजली का बाड़ बना के जो लोग करते हैं, कि बिजली का जो मदद लेते हैं,
इसमें दो प्रकार से कर सकते हैं आप, जिसमें सबसे पहला है झटका मशीनी। झटका मशीन जो होता है वो सबसे अच्छा माध्यम है जिससे आप जो आवारा पशु हैं उनसे बचा सकते हैं अपनी फसलों को। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं कि झटका मशीन कहाँ से लें और कैसे लें। आप हमारे फसल सलाह ऐप को इंस्टॉल करिए, उसमें सारा आपको डिटेल मिल जाएगा कि झटका मशीन आपके क्षेत्र में कहाँ मिल जाएगा। आप घबराइए मत, इससे मनुष्य के जो जान माल का खतरा बिल्कुल नहीं होता है। ये हमने देखा, हमने बहुत सारे झटका मशीन देखे हैं जिनमें जो इस हिसाब से बनाया गया कि पशु मरे भी ना। जैसे आप तार बंदी बाड़ बंदी करते हैं उसमें कांटे नुमा तार रहते हैं जिससे पशु का जो शरीर है वो कट जाता, फट जाता है, जिससे पशु मर जाते हैं। तो ये बहुत ही मतलब सही तरीका नहीं है। आपके फसल तो बच रहा है लेकिन जो अन्य पशु जो हमारा परिवेश में जो पर्यावरण को बना के रखते हैं उनका भी योगदान है। तो उसको हम अगर अच्छे से अगर सुचारू रूप से अगर करें अपना काम जिससे उनको भी नुकसान ना हो हमको भी नुकसान ना हो, तो किसान भाइयों उसको हम इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं कि झटका मशीन का जो लागत खर्च है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। आप अगर ध्यान से देखें तो बहुत अगर ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 8 से 9 हज़ार रुपये में आपके पास झटका मशीन आ जाएगा और तार बंदी भी आप करवा लेंगे। और बहुत सारे ऐसे जो फ़ोन नंबर हैं हम आपको दे देंगे, हमारे फसल सलाह ऐप पर सारी चीज़ें मौजूद हैं। आप ऐप इंस्टॉल करिए एक बार, उसमें आपको मुफ्त में सभी चीज़ें जानकारी जो आपको देनी है वो हम सारी चीज़ें आपको पहुँचा देंगे उस जगह तक कि आपको कहाँ से मिल जाएगा। और अगर आप कहेंगे तो हम आपको उनसे भी बात करवा देंगे जिनके पास झटका मशीन उस समय अवेलेबल होगा, जिसमें आपको साल भर की गारंटी वारंटी जो भी मिलती है और साथ ही आपको जो उसको एक पार्ट्स होते हैं। बहुत सारे किसान भाई कहते हैं कि हम इसको लगवा तो लेंगे लेकिन फिर खराब हो गया तो पार्ट्स कहाँ मिलेंगे, तो ये सभी जानकारी इसमें आपको फसल सलाह ऐप पे मिल जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं, प्राकृतिक तरीके से कैसे हम बाड़बंदी कर सकते हैं या फिर प्राकृतिक तरीके से कैसे हम ये आवारा पशु जो सबसे पहले हिरण, नील गाय, चूहा और हाथी, बंदर, गाय, भैंस, सांड, ये सभी जो आवारा पशु हैं वो आपको खेत के रौंद के चले जाते हैं जिससे आपकी जो फसल पैदावार है वो लगभग 20 से 30% घट जाती है। क्योंकि वो जब जाते अंदर चढ़ते हैं फिर पैर रखते हैं जिससे जो फसल है उसकी पैदावार अपने आप मतलब दिक्कत आ जाती है फसल बनाने में। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला अगर आपको प्राकृतिक तौर से अगर सही करना है तो धुआं एक सबसे बढ़िया माध्यम है कि धुआं, लेकिन धुआं हम इसलिए मना करते हैं कि वो पर्यावरण को भी नुकसान करता है। इस समय ग्लोबल वार्मिंग में जैसे आप देखते हैं दूषित हो चुका है, प्रदूषण बढ़ चुका है, तो आप इस धुएं का प्रयोग ना करें, जब बहुत ही ज़रूरी हो तब करें। तो इसमें आप सबसे पहला काम करेंगे कि हाथी का गोबर अगर आपको कहीं से मिल जाए तो उसको किसी जो पशु की पत्तियां उनके साथ जला के अगर आप मेड़ के पास जलाएंगे तो जो आवारा पशु है आपके खेत में नहीं आएंगे, पहला काम ये हो गया। दूसरा तरीका है मछली या फिर लहसुन का जो प्राकृतिक पायस रहता है उसके हिसाब से आप अपने अगर आप खेत में उसको रुकाव करेंगे या फिर छिड़काव करेंगे तो इसके या फिर मेड़ के पास इसको अगर लगा देंगे तो जो खरगोश और हिरण हैं वो इससे नहीं आएंगे। तीसरा है मधुमक्खी के छत्ते बाड़ पे लगाना। जैसे बहुत सारे हमारे किसान हैं जो ये करते हैं लेकिन ये प्रचलन बहुत कम हो गया है क्योंकि मधुमक्खी तो पालने में बहुत ही मुश्किलें आती हैं, तो इसलिए ये मैं बहुत सारे हमारे किसानों को नहीं कहूँगा करने को क्योंकि आपको मधुमक्खी पालन भी देखना पड़ेगा उसके साथ ही, जो बहुत ही आपके लिए कठिन हो जाएगा। तो इसके लेकिन ये एक माध्यम है जहाँ पे अगर आपको अच्छी व्यवस्था है या फिर किसी को आप रख सकते हैं इसको देखने के लिए तो आप ये अवश्य करें, जिससे जो आवारा पशु हैं जैसे हाथी मतलब हाथियाँ जो हैं वो मधुमक्खियों के साउंड से दूर भागती हैं, तो ये जो बड़े जानवर हैं वो उससे आप बचा सकते हैं अपनी फसल को ये जो मधुमक्खी छत्ते बाड़ पर लगा के, ठीक है। तीसरा है काली मिर्च। काली मिर्च का जो प्रभाव है अगर आप मेड़ पर लगा दें काली मिर्च तो जिससे आपका मुनाफा भी बढ़ेगा। काली मिर्च जब बड़ी मतलब जब काली मिर्च का पौधा परिपक्व हो जाएगा तो आपको पैदावार में भी मतलब फ़ायदा मिलेगा, आपको मुनाफा मिलेगा। और दूसरी बात, जितने भी ये हाथी बंदर गिलहरियाँ हैं ये सब आपके खेत की तरफ नहीं आएंगे काली मिर्च के कारण। उसके बाद हम अरंडी का तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये मुख्यतः जो छेद होते हैं हमारे खेत में चूहे जो बिल बना लेते हैं या फिर जो भी जानवर बिल बनाने वाले हैं उसमें अगर अरंडी का तेल आप डाल दें इस्तेमाल करें तो आपको निश्चित रूप से इससे छुटकारा मिलेगा। उसके बाद है अगर हम रासायनिक तौर से अगर हम अपने फसल पे कोई रसायन छिड़काव करना चाहें तो उसमें है एंथ्राक्विनोन या फिर ब्यूटेंथियोन, इन दोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं छिड़काव के तौर पर जिससे जो गंध रहती है उससे आवारा पशु आपके खेत पे नहीं आते। लेकिन बहुत ही केस में देखा गया है कि इसका छिड़काव करने पर जो हमारे खेत है उस पर भी इसका मतलब प्रभाव पड़ता है। तो आपको ये ध्यान दें कि पहला अगर आपको जिगजैग बाड़बंदी आपके पास अगर पैसा है ठीक ठाक जो हमारे बड़े किसान हैं उनके लिए सलाह है कि आप बाड़ बंदी करवाएं। और सबसे अच्छा तरीका इन तीनों में से है, चारों में से जितना भी मैंने बताया, झटका मशीन। अगर झटका मशीन आप लगवा रहे हैं तो उसका आपको मैं लिंक दे दूंगा और सबसे बड़ी बात फसल सलाह ऐप पे आपको इसका पूरा डिटेल मिल जाएगा जिसके माध्यम से आप
कहीं भी होंगे तो आपको झटका मशीन प्रोवाइड हो जाएगी। तो सबसे पहले आप जो स्क्रीन पर नंबर हो उस पर संपर्क करके हमसे बात कर सकते हैं, या फिर फसल सलाह ऐप आप इंस्टॉल करिए और उसमें आपको सारी जानकारी A to Z। फ़ोन पे अगर यदि आपको पूरी जानकारी नहीं भी मिल पाएगी क्योंकि फ़ोन बिजी रहता है, फ़ोन पे बहुत सारे कॉल्स आया करते हैं, हमारे जो किसान हैं उनके कॉल्स आया करते हैं निरंतर, अगर फ़ोन नहीं मिल पाएगा तो आप फसल सलाह ऐप ही इंस्टॉल करिए, वो सबसे अच्छा तरीका है कि उसमें आपको जानकारी विस्तृत तौर पर मिल जाएगी। फिर उसके बाद आप फ़ोन करके या व्हाट्सएप से हमसे संपर्क करके इसके बारे में आप ज्ञान ले सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई तरीके के साथ, एक नई जुगाड़ के साथ, जिसमें आपको मैं जानकारी दूंगा खेती से जुड़ी आधुनिक तकनीक तथा खेती से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान जो मिलेगा आपको फसल सलाह ऐप पे। साथ ही साथ जो हमारे व्यापारी भाई हैं या फिर जो मंडियों में माल उठाते हैं, माल बेचते हैं, या फिर हमारे किसान भाई जो माल बेचने के लिए जाते हैं, वो हमारे मंडी भाव पे जाएं। मंडी भाव पे आपको निरंतर हर सेकंड हर घंटे आपको रेट्स मिलते रहेंगे, आपको जितनी मंडी आपके आसपास हैं उन सभी का आपको दाम पता रहेगा, के माध्यम से आप अपने जो व्यापारी भाई हैं और जो जहाँ पे मंडियाँ हैं वहाँ पे अपने माल को जो हमारे किसान भाई हैं वो अच्छे से बेच पाएंगे, वो व्यापारी भाई अपने माल को रोक पाएंगे, जिसके माध्यम से आप जो प्राइस है उसको देख के अच्छी कीमत लगा सकते हैं अपने पैदावार का, अपनी फसल का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंद।